नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और फ्रेश ब्रेकफास्ट आइडियाज के वीडियो में। आज हम लोग बनाने वाले हैं मूंग दाल के अप्पे और मूंग दाल का चिल्ला। बहुत मजा आने वाला है, तो बने रहें। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने हमारी 1.5 कप मूंग दाल रात को सोक करने के लिए रख दी थी और सुबह हम लोग इसको यूज कर रहे हैं ब्रेकफास्ट में। तो हम लोग हमारी जो सोक की हुई दाल है वो ले लेंगे और उसके बाद उसमें एक टुकड़ा जिंजर का और एक हरी मिर्ची डाल देंगे। उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच जीरा और स्वाद अनुसार नमक। मिर्ची अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ताकि अच्छे से पिस जाए इसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। उसके बाद हमें इसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है, कुछ इस तरह। गाइस ध्यान रखिएगा, ये जो बैटर होना चाहिए ना एकदम पतला नहीं होना चाहिए, एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि हमारे अप्पे और जो चिल्ला है वो बहुत ज़बरदस्त बने। देखिए हम लोगों ने कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रखी है। अब यहाँ पे हम लोग ना इसे हिला रहे हैं 10 मिनट के लिए ताकि ये एकदम फ्लफी हो जाए। अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम कम है तो आप इसमें इनो डाल दीजिएगा, उससे आपका काम हो जाएगा। अब हम लोगों ने एक अप्पे के पैन में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लिया है और सारे के सारे साँचों में थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दिया है। उसके बाद हम लोग एक एक करके हमारे अप्पे बैटर हम लोग डाल देंगे। देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है ना गाइस। ये रेसिपी इतनी ज़्यादा इजी है, बस आपको दाल को रात भर सोख करके रखना है और सुबह वो एकदम फूल जाएगी और बस उसे पीसना है कुछ मसालों के साथ। बहुत ज़्यादा आसान है और हमने तो आपके लिए और आसान कर दिया, हम लोग 2 रेसिपीज़ बना रहे हैं एक ही बैटर से। तो गाइस देखिए हमारे थोड़े थोड़े गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं अप्पे कुछ इस तरह, और हम पलटा देंगे उन्हें और थोड़ा सा सेकेंगे तो फाइनल एंड प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। गाइस ये इतना हेल्दी होता है, इतना हाई इन प्रोटीन होता है, आपको मज़ा आ जाएगा। इसको आप सर्व कीजिएगा हरी चटनी के साथ, बहुत ज़्यादा डबल हो जाएगा उसका स्वाद। तो चलो अब बनाते हैं हम लोग मूंग दाल का चिल्ला। तो उससे पहले हम लोग उसकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल फिलिंग रखी है हमने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया कॉर्न, उसमें डाल दिया थोड़ा सा मोज़रेला चीज़, थोड़ी सी काली मिर्ची और थोड़ा सा नमक। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें साथ में मिला देना है ताकि एकदम वो बाइंड हो जाए। तो ये कुछ रेडी हो गया। अब हमारा जो बैटर था ना उसको हम लोग एक पैन में लेंगे और कुछ इस तरह से उसे प्लेस कर देंगे। अब धीरे धीरे चम्मच की मदद से हम इसे राउंड एंड राउंड एंड राउंड घुमा के उसका शेप दे देंगे। अगर आपको आपके चिल्ले थोड़े से पतले पसंद है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं बैटर में। तो गाइस देखिए हमारे ज़बरदस्त वाले मूंग दाल का चिल्ला रेडी होने को आया है। पीछे साइड हमने पका लिया, अब हमने जो फिलिंग बनाई थी ना चीज़ और कॉर्न की वो हम लोग बीच में डाल देंगे कुछ इस तरह। अब हमें इसे फोल्ड करके रख देना है और थोड़ा सा टाइम बस इसे पकाना है ताकि अंदर का जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। तो गाइस बस 2 से 3 मिनट रखने के बाद हमारे मूंग दाल के यम्मी वाले चिल्ले ये है रेडी। गाइस इसको आप सर्व कीजिएगा चटनी के साथ या सॉस के साथ। गाइस मैं बस इतना बोलूँगा कि हम आपके लिए ऐसे ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ लाते रहते हैं, तो आप बस मुझे और मेरी टीम को सपोर्ट कर दिया करें। तो भाई बने रहें, प्यार करते रहें। दिस इज़ तुषार धनवानी साइन इन ऑफ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।